सो राम राम भाई सारिया ने। सो आज का क्वेश्चन है सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अपन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 60 एंड 02 आर टू ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन के बारे में यहाँ पे अपन लोगों को बात करी गई है। तो यहाँ पे 60, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 60 एंड 02 जो है वो दो लाइंस के जो है सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। दो लाइंस के दो सॉल्यूशन अपने को दिए गए हैं। सो अपने को दो, यहाँ पे इसके दो पार्ट्स दिए गए हैं कि पहला पार्ट में अपने बोला कि सो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन टोटल, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके मतलब ये हुआ कि इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब कितने ऐसे पेयर होंगे जो इन दोनों लाइन के अंदर इंटरसेक्शन होंगे। तो देखो अपने पास में तीन कंडीशन होती है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के अंदर, मतलब दो लाइंस का सॉल्यूशन में तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर ओनली वन सॉल्यूशन हो, ठीक है। और वन सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करती हैं एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हुआ वन सॉल्यूशन के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो दोनों लाइंस जो होती हैं वो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या होता है कि जो है यहाँ पे होते हैं इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइंस होती है वो कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट का मतलब होती है कि एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट लाइन है तो इसी लाइन पे दूसरी लाइन हो सकती है, ओके। तो यहाँ पर अपने को क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो क्या है, सिर्फ वन सॉल्यूशन है, बट यहाँ पर अपने को दो सॉल्यूशन दे रखे हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में नो सॉल्यूशन, थर्ड के अंदर इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन में से अपने पास में ये दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है, पहले ऑप्शन का जो है आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गया, मतलब लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट होगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। ये हो गया फर्स्ट का। अब अपने को सेकंड का करना है। तो सेकंड में अपने को दे रखे 60 और 02, दो पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं, दो कोऑर्डिनेट अपने को दिए हुए हैं। तो जो जनरल फॉर्म होती है कोई भी लीनियर इक्वेशन की वो क्या होती है, कमेंट करके जरूर बताएं। जनरल फॉर्म ऑफ, देखते कितने लोग सही कर पाते हैं, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये होती है जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो इस जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने को दो सॉल्यूशन दे रखा है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है 60 और एक सॉल्यूशन दिया हुआ है अपने को 02। तो पहले अपन निकालते हैं पहली वाली इक्वेशन इस पॉइंट इन कोऑर्डिनेट्स की। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 0। तो इस इक्वेशन के लिए अपन इस पॉइंट के लिए अपन इक्वेशन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई 6 प्लस बी मल्टीप्लाई 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6a प्लस बी इंटू 0 हो जाएगा 0, सो प्लस का सी उधर 0 की तरफ भेज देंगे तो जाएगा 6a इज इक्वल टू माइनस सी। सो a का जो वैल्यू है वो हो जाएगा अपने पास में माइनस सी अपॉन 6, ठीक है। तो ये हो गया a का वैल्यू माइनस सी अपॉन 6। तो a का वैल्यू आ गया अपने पास में माइनस सी अपॉन 6। अब अपन इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन a मल्टीप्लाई 0 प्लस बी वाई, तो ये जाएगा बी इंटू 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a इंटू 0 हो जाएगा 0, तो प्लस बी इंटू 2 हो जाएगा 2b, तो 2b प्लस सी को अपन 0 की तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस सी। तो यहाँ पर अपन है ना सी बी का जो वैल्यू है ना वो सी की फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे भी ए का वैल्यू अपन ने सी की फॉर्म में फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे भी सी की फॉर्म में कर लेते हैं। तो यहाँ पे जगह बी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन 2। तो अपने पास में ए और बी का जो वैल्यू है वो सी की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास में जनरल फॉर्म है इस क्वाड्रेटिक इसकी लीनियर इक्वेशन की। तो इसके अंदर अपन ए और बी का वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे
और फिर अपन इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपने को सेकंड ऑप्शन में क्या बोला था, सेकंड क्वेश्चन में आपने को बोला है कि फाइंड द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट वन ऑफ द लाइंस ऑफ द अबव पेयर, शो योर वर्क। मतलब ये 6002 जो सॉल्यूशन है ना, इसमें से अपन किसी भी एक लाइन को अपने को फाइंड आउट करना है जो कि इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हो। ठीक है, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो ए का वैल्यू अपने पास में आ गया था, एक मिनट, ओके। सो ए का वैल्यू आया था अपने पास में -c/6 एंड बी का वैल्यू आया था अपने पास में -c/2। और जनरल फॉर्म होती है अपने पास में लीनियर इक्वेशन की ax+by+c=0। तो ये हो जाएगा अपने पास में, इसके अंदर अपन ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए की जगह पर अपन लिख देंगे -c/6। तो ये हो जाएगा -c/6 इंटू एक्स प्लस बी की जगह पर अपन पुट कर देंगे बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -c/2 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पर माइनस सी आ रहा है, यहाँ पर माइनस सी आ रहा है और यहाँ पर सी आ रहा है, तो अपन ऐसा करते हैं माइनस सी को कॉमन ले लेते हैं। तो अपन ने माइनस सी को कॉमन लिया तो ये आग पे आ गया x/6 बच गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बच गया y/2 तो प्लस y/2 बच गया इधर में, इधर में प्लस सी की जगह से अपन अगर माइनस सी को कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा -1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो। अभी माइनस का सी जीरो से डिवाइड होकर उधर जाकर जीरो से डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो से डिवाइड होकर जीरो बन जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी अपने पास में x/6+y/2-3=0। अब देखो यहाँ पर डिवाइड करना 6 और 2 आ रहा है, तो अपन ऐसा करते हैं इस 6 और 2 को हटाने के लिए अपन पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर -1, तो इस पूरी इक्वेशन को अपन 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो पूरी इक्वेशन को अपन 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हो जाएगा x+ यहाँ पर 6 × y, अपन 2 करेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो जगह +3y एंड -6=0। तो ये हो गया अपने पास में x+3y=6, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते तो ठीक है, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा x+3y=6, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा @mahendra/01, ठीक है स्टूडेंट। सो कोई भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट भी करके पूछें, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड और क्या कंटेंट आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, वो सारे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हर हर महादेव।